नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक स्टार पर। दोस्तों स्वागत है आपका पांच के पंच सीरीज आठ में। दोस्तों सात सीरीज रामबाण क्वेश्चनों का संकलन आपके पास मैंने पहुंचा दिया है, पूरी व्याख्या के साथ। वे ऐसे प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास इनमें है। ऑप्शन दिया है मानस का हंस, चित्रलेखा, तितली, निर्मला। तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया था कि इनके तो तीन ही उपन्यास हैं। जयशंकर प्रसाद के तीन उपन्यास हैं, कौन कौन से? कंकाल, ठीक है ना, तितली और इरावदी। दोस्तों देखिए, एक उपन्यास आपका तितली दिख गया इसमें से ना, तो सीधे सीधे आप क्या करेंगे, तितली को लगाएंगे। ये तितली जो है इनकी उपन्यास है दोस्तों। अब बचा आपका, देखिए ये भी कितने इंपॉर्टेंट है। देखिए ये निर्मला, ये किसका है? प्रेमचंद का। दोस्तों प्रेमचंद का उपन्यास है, और प्रेमचंद के उपन्यासों में सबसे पहला उपन्यास अगर आप देखें तो सेवा सदन, ध्यान रखिएगा, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, मैंने सब बता दिया आपको, रंग भूमि मैंने बताया है दोस्तों, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंग भूमि, गोदान, गबन, निर्मला, उसके बाद मंगलसूत्र। आपको सिर्फ याद रखना है कि कौन कौन से इन्होंने रचनाएं की हैं उपन्यास के तौर पे। ये दोस्तों जो मानस का हंस है, यह तुलसीदास पे लिखा गया था। ये इस पे, किस पे? तुलसी दास पर आधारित है दोस्तों। और ये जो लिखा है इन्होंने, तुलसीदास पर आधारित है, और इसको लिखने वाले हैं दोस्तों अमृतलाल नागर। इन्होंने लिखा है, टुकड़े टुकड़े दास्तान भी लिखा है दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसको लिखने वाले हैं अमृतलाल नागर। इनका एक आत्मकथा भी है, टुकड़े टुकड़े दास्तान। तो ध्यान रखिए यह दोस्तों आत्मकथा है, आत्मकथा है। और यह आपका जो मानस का हंस है, तुलसीदास को इन्होंने मानस का हंस बोला है, और यह अमृतलाल नागर ने लिखा है दोस्तों। और ये देखिए निर्मला जो है प्रेमचंद की रचना है, और आपको पता है कि प्रेमचंद ने कई नाटकों को लिखा है दोस्तों। आप सब, मैंने बता दिया है कि आपका सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंग भूमि, मैंने बताया है। एक चीज और इसमें लिख सकते हैं, कायाकल्प भी है इनका, रंग भूमि के बाद आपका कायाकल्प भी है। तो ध्यान रखिए, अब तितली के बारे में हमने बता रखा है, बचा चित्रलेखा। दोस्तों यह भी हमारे पुराने वीडियोज में देखेंगे तो आपको दिखेगा दोस्तों, ये भगवती चरण वर्मा जो है, भगवती चरण वर्मा इनके है दोस्तों, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये किसने लिखा चित्रलेखा, भगवती चरण वर्मा ने लिखा है। और जानते हैं भगवती चरण वर्मा ने टेढ़े मेढ़े रास्ते भी लिखा है, टेढ़े मेढ़े रास्ते दोस्तों। चित्रलेखा टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चल के अपने खिलौनों के पास पहुंचेगी ना, अपने खिलौने, और उसके साथ लगभग 3 वर्ष तक खेलेगी दोस्तों। तो 3 वर्ष भी इनकी रचना है चित्रलेखा, अपने चरण से। हालांकि भगवती चरण वर्मा, देख रहे हैं चरण लग गया ना, भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा दोस्तों, ध्यान रखिएगा इनका नाम है। तो चित्रलेखा, देखिए चित्रलेखा अपने चरण से टेढ़े मेढ़े रास्ते पर होते हुए अपने खिलौने लेकर 3 वर्ष तक खेलेगी, उसके बाद खिलौनों का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा दोस्तों, इन खिलौनों का पतन हो जाएगा। तो ये कुछ मुख्य मुख्य इन सब की रचनाएं हैं जिसको याद रखना है दोस्तों। और प्रेमचंद को तो उपन्यासकार भी कहते हैं, उपन्यासकार या उपन्यास सम्राट कहते हैं दोस्तों, सम्राट कहते हैं। और जो जयशंकर प्रसाद है जिन्होंने इसको लिखा है, इन्हें कहते हैं छायावाद, छायावाद का ब्रह्मा, छायावाद का ब्रह्मा कहते हैं दोस्तों।
इनके कई नाटक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऐतिहासिक नाटक इन्होंने लिखने की विधा शुरू की थी। आगे चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बातें समझ में आ रही होंगी दोस्तों, इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमेशा पूछती है, इसको ध्यान रखिएगा, इसकी शॉर्ट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, दूसरा महाबाण देखिए दोस्तों, ये रामबाण। त्याग पत्र कई बार पूछा जा चुका है, त्याग पत्र एक उपन्यास है किसका है, त्याग पत्र उपन्यास किसका है दोस्तों। ऑप्शन है ए अज्ञे, बी लाचन जोशी, सी देवराज, डी जैनेन्द्र। तो दोस्तों आइए पहले अज्ञे के देखते हैं। अज्ञे का अगर हम लोग देखें तो एक याद रखिएगा, कितनी नावों में कितनी बार दोस्तों हमें पता ही नहीं है, ये अज्ञानता व समय क्या है, पता ही नहीं कि कितनी नावों में कितनी बार दोस्तों, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखे अपने अजनबी दोस्तों, इसको भी और याद रखिएगा, आपका नदी के द्वीप भी याद रखिए। अच्छा, जो आप कितनी नावों में कितनी बार, यह आपका काव्य संग्रह दोस्तों काव्य है, बकिया जो हमने लिखा देखिए ये उपन्यास है, नदी के द्वीप उपन्यास है, और शेखर एक जीवनी दोस्तों, जिसको दो भागों में इन्होंने प्रकाशित करवाया था, भाग एक 1941 में और भाग दो जो है 1944 में। नदी के द्वीप दोस्तों 1951 में, अपने अपने अजनबी 1961 में इन्होंने कराया था। अब बात करते हैं दोस्तों इलाचंद जोशी की बात करें तो इन्होंने ऋतु परिवर्तन बताया था, ऋतु परिवर्तन और सन्यासी मुक्ति पथ, देख रहे हैं, ऋतु परिवर्तन सन्यासी मुक्ति पथ। उसके बाद आपका देख लीजिएगा, इसमें और भी एक चीज अगर जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं, जैसे आप इसमें ऋतु चक्र हो गया है, जहाज का पंछी इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाज का पंछी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहीं से प्रश्न भी बनते हैं, एक चीज समझिएगा। आइए जैनेन्द्र पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों जैनेन्द्र। तो इन्होंने सुनीता लिखा है, क्या लिखा है, सुनीता कल्याणी, दोनों को परखते हैं, दोनों को क्या करते हैं, परखते हैं, और परखने के बाद कहते हैं चलो भैया हटो, त्याग पत्र दे देते हैं, फिर उसके बाद इनको मुक्ति बोध होता है, और ये मुक्ति बोध इनकी महत्वपूर्ण रचना है। अब पूछा है कि त्याग पत्र किसकी रचना है, साफ साफ दिख रहा होगा कि त्याग पत्र जैनेन्द्र की रचना है, किसकी है, जैनेन्द्र की रचना है दोस्तों। ऐसे पढ़ना चाहिए साहित्य, और जो भी टॉपर्स होते हैं दोस्तों ऐसे ही पढ़ते हैं। देखिए भाई देवराज के बारे में तो बहुत कुछ नहीं कह सकते, इन्होंने लिखा है छायावाद का पतन, और एक लिखा है मैं वे और आप दोस्तों इनकी रचना है, और ये देवराज नाम है बस इनका, जो है टाइटल कह सकते हैं इसको, मतलब इन्होंने लिखने के लिए लिया है, जबकि इनका नाम जो है, इनका नाम दोस्तों नंद किशोर देवराज। तो देख रहे हैं मुख्य मुख्य जो भी रचनाएं हैं मैं यहीं पे बता दे रहा हूं, याद करने का ट्रिक भी है इसको, तो मान लीजिए काव्य है ये, यहाँ पे आइए, अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी। तो शेखर एक जीवनी एक उपन्यास है दोस्तों, याद रखिए, पूछा हुआ था कि शेखर एक जीवनी कौन सी विधा है, तो यह उपन्यास है, भाग एक 1941 में आया, भाग दो 1944 में आया। जबकि अपने अपने अजनबी और नदी के द्वीप, हमें कितने नदी में द्वीप है पता नहीं, अज्ञे हैं, नदी के द्वीप कितने हैं अज्ञे हैं दोस्तों, पता ही नहीं हम लोगों को, इसलिए हमने कहा कि नदी के द्वीप अज्ञे हैं। अपने अपने अजनबी भी पता ही नहीं है कौन कौन अजनबी है कौन अपना है। साथ ही साथ देखिए कितनी नाव में कितनी बार, पता होता तो हम बताते ना कि कितनी नाव में कितनी बार, लेकिन पता ही नहीं है इसलिए हम बता नहीं पाएंगे, इसलिए अज्ञे याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। अज्ञे 1911 से 1987 तक इनका जीवन काल है दोस्तों,
अज्ञेय का। फिर मैंने देवराज नंद किशोर की बात करी तो इन्होंने छायावाद का पतन करा दिया, मैं वे और आप की बात कर रहे हैं। और इलाचंद जोशी का ऋतु परिवर्तन, सन्यासी, मुक्ति पद, जहाज का पंछी, ये चार उपन्यास इनके बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और यहाँ तो भाई सुनीता कल्याणी को परखने के बाद त्याग पत्र दे देते हैं जैनेन्द्र और कहते हैं अब मुक्ति का बोध हुआ। अब मुक्ति का क्या हुआ? बोध हुआ दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखिए लाजवाब क्वेश्चन एक और, झूठा सच, कई बार पूछा गया है झूठा सच किसकी रचना है, तो ध्यान रखिएगा ए है उपेंद्रनाथ अस्क, इनको कहा जाता है अस्क, याद रखिए इनका फुल फॉर्म पूछता है, यशपाल, नागार्जुन, रंगे राघव। तो दोस्तों ये रचना जो है आपका यशपाल का है। किसका है? यशपाल का है। तो अब आप कहेंगे ना सर कि अस्क की कौन सी रचनाएं हैं, नागार्जुन की रचनाएं कौन सी है, रंगे राघव की कौन सी है, और यशपाल की और कौन सी रचना है, तो इसको भी देख लेते। मैंने अभी बताया था कि झूठा सच के जो लेखक हैं वो यशपाल है। आइए देखते हैं चारों ऑप्शन के बारे में। ये देखिए उपेंद्रनाथ अस्क, अष्ट आंसु अस्क है ना, ध्यान रखिए, गिरति दीवारे, शहर में घूमता आयना, गर्म राख, सितारों के खेल, ध्यान रखिएगा चारों इनकी बहुत इंपॉर्टेंट जो है रचनाएं है दोस्तों। गिरती दीवारे, शहर में घूमता आयना, गर्म राख, सितारों के खेल, ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको याद रखिएगा दोस्तों। यशपाल की बात करें तो दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, देशद्रोही, झूठा सच, 12 घंटे। तो यही तो पूछा है कि झूठा सच किसकी रचना है, तो झूठा सच यशपाल की रचना है दोस्तों। नागार्जुन की कुछ रचनाएं मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए आपको समझ में आएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं नागार्जुन। युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियां, हजार हजार बाहों वाली, भस्मांकुर, रतिनाथ की चाची, बलचन्मा, बापा बटेश्वर, बाबा बटेश्वर नाथ, विद्यापति की कहानियां। दोस्तों ये जो है नागार्जुन की बहुत ही इंपॉर्टेंट, और नागार्जुन वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है राइटर है जिनके बारे में पूछता रहता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा तालाब की मछलियां पूछा हुआ है, युगधारा, सतरंगी पंखे वाली, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियां, हजार हजार बाहों वाली, भस्मांकुर, रतिनाथ की चाची, बलचन्मा, बाबा बटेश्वर नाथ, विद्यापति की कहानियां दोस्तों, ध्यान रखिएगा। रंगे राघव दोस्तों, घरौंधा, विषाद मठ, मुर्दों का टीला, सीधा साधा रास्ता, अंधेरे के जुगनू और प्रतिदान, ये रचना है। देखिए जितना मैं लिख रहा हूं उतना याद करना है, उससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, उतना से ही प्रश्न ठीक ठाक आता है, इवन उतना ही आता है, आप जानिएगा इस चीज को, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। यह भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न है कि बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है। तो आपका प्रश्न है दोस्तों जीवनी है कि आत्मकथा है कि रेखा चित्र है कि उपन्यास है, तो ध्यान रखिए क्या है, उपन्यास है। जीवनी में क्या होता है कि किसी के बारे में हम लोग लिखते हैं, आत्मकथा में क्या होता है कि स्वयं के बारे में कभी लिखता है, रेखा चित्र में जैसे महादेवी वर्मा ने अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार लिखा है, उसी तरह रामदृश बेनीपुरी ने गेहूं बनाम गुलाब, माटी की मूर्तें, लाल तारा, मील के पत्थर लिखा दोस्तों, मील के पत्थर। उपन्यास में माना जाता है कि देवरानी जेठानी की कहानी पहला उपन्यास है जो 1870 में पंडित गौरी दत्त ने लिखा था, और डॉक्टर गोपाल राय इसको मानते हैं कि पहला उपन्यास है दोस्तों। अगर हम बात करें भाग्यवती जो 1877 में लिखी गई थी, इसको श्रद्धा राम फिल्लौरी ने लिखा था, इसको डॉक्टर विजय शंकर मल्ल मानते कि पहला था। परीक्षा गुरु दोस्तों 1882 में लिखा था, श्रीनिवास दास ने लिखा था, और रामचंद्र शुक्ल इसको मानते हैं कि ये पहला उपन्यास है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें एक बात और समझने वाली है कि जो बाणभट्ट की आत्मकथा जो उपन्यास है यह किसकी रचना है, तो ये दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, जिन्होंने कबीर दास को भाषा का डिक्टेटर कहा है। इन्होंने कबीर दास को क्या कहा है? भाषा का डिक्टेटर कहा है दोस्तों, ध्यान रखना। देखिए दोस्तों जबरदस्त पांच के पंच का पांचवा क्वेश्चन, इसमें से हजारी प्रसाद का उपन्यास कौन सा है,
तो आप देख रहे हैं ऑप्शन में ए सुनीता, बी तितली, सी पुनर्नवा, डी सन्यासी। तो ध्यान रखिए सुनीता की बात करें दोस्तों ये जैनेन्द्र की है। किसकी है? जैनेन्द्र की। हमने कहा था ना कि एक सुनीता थी एक कल्याणी थी, दोनों को इन्होंने परखा यानी परख किया, परखने के बाद पता चला कि इनसे त्याग पत्र देना ही सही है, ये त्याग पत्र दे देंगे और इससे इनको क्या होगा? मुक्ति का बोध होगा। तो मुक्ति बोध भी इनकी रचना है। और याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तितली ये प्रसाद जी की है, प्रसाद जी की तीन उपन्यास हैं, कंकाल, तितली, इरावती, 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 ठीक है, इरावती, सॉरी इरावती है दोस्तों, ठीक है ना। और इरावती क्या है? इनकी अधूरा नाटक है, अधूरा नाटक है दोस्तों, सॉरी अधूरा उपन्यास है। पुनर्नवा दोस्तों ये हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, समझिएगा इस बात को। मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मुझे याद है, ध्यान रखिए आपको भी याद करना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का अनाम दास का पोथा भी है दोस्तों। और अभी पिछला जो हमने बताया था उपन्यास बाण भट्ट की, बाण भट्ट की आत्मा कथा भी इन्हीं का है। अब बचा सन्यासी, जिसे आपका उत्तर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला सी होगा, आपका उत्तर हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला सी होगा। अगर हम लोग बात करें सन्यासी की, तो सन्यासी लिखा है दोस्तों इला चंद्र जोशी ने, इला चंद्र जोशी का सन्यासी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इला चंद्र जोशी ने लिखा है सन्यासी। और जानते हैं इन्हीं का जहाज का पंछी भी है, जहाज का पंछी भी है। और इन्हीं का जो है ऋतु, ऋतु चक्र भी है। और इन्हीं का दोस्तों मुक्ति पथ भी है। तो मुक्ति पथ, ऋतु चक्र, जहाज का पंछी, सन्यासी, ये चार ऐसे ऑप्शन है, चार इनके भी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का अनामदास पोथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा कई बार पूछा हुआ पुनर्नवा, ध्यान रखिए, तितली जो है प्रसाद के, कंकाल, तितली, इरावती, और इरावती इनका अधूरा है, सुनीता, कल्याणी, परख, त्याग पत्र, मुक्ति बोध, ये सब के सब जो है आपके जैनेन्द्र का है। तो दोस्तों ऐसे ही अगर आप साहित्य की बात करते हैं तो विथ गारंटी आपको साहित्य में कोई रोक नहीं सकता। तब तक के लिए चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी दोस्तों।